दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सैमसंग ने अभी कुछ दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी M31 को लॉन्च किया था। और दोस्तों, ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया था 15,000 के प्राइस में। और दोस्तों, अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो इसका कैमरा भी काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है और इसकी सेलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के एक और न्यू फ़ोन के बारे में, जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी M21 है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी M21 के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कब लॉन्च होने वाला है और इसका जो कैमरा है वो कैसा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको इसका एक्सपेक्टेड प्राइस भी बताऊंगा कि ये कितने प्राइस पे लॉन्च हो सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी M21 के डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलेगा उसका साइज क्या होगा। और हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो IPS है या सुपर AMOLED है। तो दोस्तों, यहां सैमसंग गैलेक्सी M21 की अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 6.4 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक सुपर AMOLED डिस्प्ले होगी। तो दोस्तों, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि जो सुपर AMOLED डिस्प्ले होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा शानदार होती है और उसके अंदर आपको जो कलर क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। एंड दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में कि सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा वो कौन सा कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि कितने मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर सैमसंग गैलेक्सी M21 के कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 3 कैमरे देखने को मिलेंगे बैक में, जिसमें कि मेन कैमरा जो होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा और बाकी जो 2 कैमरे होंगे जिसमें से 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा होगा और एंड दोस्तों, जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो आपका डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह कैमरे के मामले में ये काफ़ी बढ़िया होने वाला है फ़ोन। खैर, यहाँ डिपेंड करेगा कि इसका प्राइस कितना है, क्योंकि दोस्तों, जो भी फ़ोन होता है वो अपने प्राइस के हिसाब से ही डिसाइड करता है अपनी क्वालिफिकेशन को। खैर दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि इसके अंदर आपको जो चिपसेट मिलेगा, यानी कि इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको सैमसंग का एक्जीनोस का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 4GB रैम के साथ आएगा और दोस्तों, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा। अभी हालांकि खोल के डिटेल्स में नहीं आया है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो कौन सा होने वाला है, बट इसके अंदर आपको ऑक्टाकोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि सैमसंग का ही अपना खुद का होगा। एंड दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में, क्योंकि किसी भी फोन के अंदर जो बैटरी होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि दोस्तों, आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो बैटरी पर बहुत ज़्यादा फोकस बना रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी बैटरी है और दोस्तों, ये इस फोन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देगी दूसरे बाकी के फोन से। और सबसे खास बात दोस्तों, कि आपको इस फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और जो इसके अंदर आपको चार्जर मिलने वाला है वो Type-C पोर्ट के साथ आएगा, यानी कि इस फोन के अंदर आपको Type-C पोर्ट मिलने वाला है और जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और दोस्तों, अगर यहाँ अनुमान की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक वगैरह ये सारे के सारे फीचर्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट आपको पहले की तरह, जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी M31 के अंदर बैक में देखने को मिलता है, तो दोस्तों, यहाँ सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर भी आपको बैक में ही फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। तो खैर दोस्तों, फिलहाल अब बात करते हैं कि ये फोन कब और कहाँ लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसके लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये 16 मार्च 2020 को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इसी महीने में लॉन्च होगा 16 तारीख को। और दोस्तों, ये अमेज़ॉन पे सेल इसकी होगी और इसके अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और आप इस फ़ोन का वेट करेंगे या आप किसी और फ़ोन को परचेज़ करने का मूड बना रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। खैर दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।